स्वागत है आपका मंथली करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं प्रश्न। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में किसे स्थान दिया गया है? ए साइरस एस पुनावाला, बी गौतम अदानी, सी मुकेश अंबानी, डी शिव नादर। आंसर बी गौतम अदानी। एक्सप्लेनेशन: हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में भारत के अरबपतियों की नई लिस्ट जारी की गई है। पहली बार इस लिस्ट में भारत के 300 से ज्यादा अरबपतियों को शामिल किया गया है। वहीं इस बार लिस्ट में 102 NRI भी हैं। गौतम अदानी ने मुकेश अंबानी को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया। उनकी संपत्ति 95% बढ़कर लगभग 11.6 लाख रुपए करोड़ हो गई। अगला प्रश्न: उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया? ए कासिमपुर हॉल्ट, बी अकबरगंज, सी मिसरौली, डी जायस। आंसर डी जायस। एक्सप्लेनेशन: 27 अगस्त 2024 को रेल मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए। उत्तर रेलवे की ओर से जारी आदेश के मुताबिक कासिमपुर हॉल्ट रेलवे स्टेशन को अब जायस सिटी रेलवे स्टेशन, जायस को गुरु गोरखनाथ धाम, मिसरौली को माँ कालिकिन धाम और बानी को स्वामी परमहंस के नाम से जाना जाएगा। जायस रेलवे स्टेशन के पास गुरु गोरखनाथ धाम आश्रम है, इस वजह से स्टेशन का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अगला प्रश्न: 8 कोर सेक्टर उद्योगों द्वारा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कितना प्रतिशत योगदान दिया जाता है? ए 30%, बी 35%, सी 40%, डी 50%। आंसर सी 40%। एक्सप्लेनेशन: 8 कोर सेक्टर उद्योगों का सूचकांक सीमेंट, कोयला, कच्चा तेल, बिजली, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और स्टील जैसे प्रमुख क्षेत्रों को मापता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में इन क्षेत्रों का भार 40% है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP एक संकेतक है जो किसी निश्चित अवधि में औद्योगिक उत्पादन की मात्रा में हुए बदलाव को मापता है। ये सरकार के लिए नीति नियोजन और विश्लेषण के लिए अहम है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO इसे मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित करता है। अगला प्रश्न: किन भारतीय राज्यों की आधिकारिक भाषा तेलुगु है? ए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बी ओडिशा और पश्चिम बंगाल, सी तमिलनाडु और कर्नाटक, डी केरल और महाराष्ट्र। आंसर ए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। एक्सप्लेनेशन: तेलुगु भाषा मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाती है। ये देश की चौथी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तेलुगु भाषा की उत्पत्ति प्रागैतिहासिक काल में हुई थी। इसकी जड़ें द्रविड़ भाषा परिवार में हैं। तेलुगु भाषा दिवस हर साल 29 अगस्त को तेलुगु कवि गिदुगु वेंकट राममूर्ति की जयंती के दिन उनके योगदान और सम्मान में मनाया जाता है। अगला प्रश्न: पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनि लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता? ए भारोत्तोलन, बी निशानेबाजी, सी एथलेटिक्स, डी तीरंदाजी। आंसर बी निशानेबाजी। एक्सप्लेनेशन: पेरिस पैरालंपिक 2024 में गोल्ड के साथ भारत के पदकों का खाता खुल गया है। शूटिंग में अवनि लेखरा ने इतिहास दोहराते हुए 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SHA इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। वहीं मोना अग्रवाल ने 228.7 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। अवनि ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए 249.7 अंकों के साथ नया पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाया। किस राज्य विधानसभा ने बलात्कार विरोधी अपराजिता विधेयक पारित किया? ए उत्तर प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी महाराष्ट्र, डी असम। आंसर बी पश्चिम बंगाल। एक्सप्लेनेशन: ममता बनर्जी की सरकार ने आज पश्चिम बंगाल की विधानसभा में अपराजिता बिल को पारित कर दिया। ये बिल भारतीय न्याय संहिता BNS में कुछ प्रावधानों को संशोधित करता है और बलात्कार तथा बाल यौन उत्पीड़न के मामलों में दंड को और कठोर बनाता है। विधेयक में रेप के दोषियों की सजा साबित होने पर 10 दिन के अंदर फांसी का प्रावधान है। इसके तहत बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के दोषी व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। अगला प्रश्न: साल 2025 में ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए दक्षिण अफ्रीका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी भारत, डी इंग्लैंड। आंसर डी इंग्लैंड। एक्सप्लेनेशन: ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल अगले साल लॉर्ड्स इंग्लैंड में खेला जाएगा। एकमात्र टेस्ट 11 से 15 जून 2025 तक प्रतिष्ठित लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो 16 जून आरक्षित दिन के रूप में उपलब्ध होगा। ये पहली बार होगा जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल लॉर्ड्स में खेला जाएगा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप प्रतियोगिता का उद्घाटन सत्र 2019 और 2021 के बीच खेला गया था। अगला प्रश्न: पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता? ए निशानेबाजी, बी जेवलिन थ्रो, सी बैडमिंटन, डी टेबल टेनिस। आंसर बी
जेवलिन थ्रो एक्सप्लेनेशन। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो F64 फाइनल इवेंट में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उन्होंने 70.59 मीटर की अविश्वसनीय थ्रो के साथ टोक्यो पैरालंपिक में 68.55 मीटर बनाए अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इसके साथ ही उन्होंने अपना मेडल बरकरार भी रख लिया। अगला प्रश्न, नितेश कुमार ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? ए टेबल टेनिस, बी तीरंदाजी, सी बैडमिंटन, डी टेनिस। आंसर सी बैडमिंटन। एक्सप्लेनेशन। भारत के नितेश कुमार ने 2 सितंबर को पेरिस 2024 पैरालंपिक में पुरुष एकल बैडमिंटन SL3 वर्ग में ग्रेट ब्रिटेन के डेनियल बेथेल को 21-14, 18-21, 23-21 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। 29 वर्षीय भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी ने खिताब जीतने में 1 घंटे और 20 मिनट का समय लिया, जिससे SL3 वर्ग स्पर्धा में भारत का दूसरा लगातार स्वर्ण पदक सुनिश्चित हुआ। अगला प्रश्न, 2024 में 133वां इंडियन ऑल डूरंट कप फुटबॉल किस टीम ने जीता? ए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC, बी मोहन बागान सुपर जॉइंट, सी केरला ब्लास्टर्स FC, डी बेंगलुरु FC। आंसर ए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। एक्सप्लेनेशन। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने 31 अगस्त 2024 को पेनल्टी पर गत चैंपियन मोहन बागान सुपर जॉइंट को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर 133वां इंडियन ऑल डूरंट कप जीता। डूरंट कप की शुरुआत 1888 में हुई थी और इसका नाम सर मोर्टिमर डूरंट के नाम पर रखा गया है, जो ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव थे। ये टूर्नामेंट पहले ब्रिटिश भारतीय सेना के लिए आयोजित किया जाता था, लेकिन बाद में नागरिक टीमों को भी भाग लेने की अनुमति दी गई। सर्वोच्च न्यायालय के किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया? ए 73वें, बी 74वें, सी 75वें, डी 76वें। आंसर सी 75वें। एक्सप्लेनेशन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान सर्वोच्च न्यायालय का नया गहरे नीले रंग का ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। ध्वज पर संस्कृत श्लोक यतो धर्मस्ततो जय अंकित है, जिसका अर्थ है जहां धर्म है वहां विजय है। गहरे नीले रंग का ये प्रतीक चिन्ह न्यायालय की प्रतिष्ठा को दर्शाता है। अगला प्रश्न, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कितनी कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। आंसर बी 4। एक्सप्लेनेशन। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में 4 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों SJVN, सौर ऊर्जा निगम, NHPC और रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को नवरत्न का दर्जा दिया। भारत में 4 नई नवरत्न कंपनियों में से 3 रेलटेल, SJVN और NHPC सार्वजनिक रूप से कारोबार कर रही हैं। नवरत्न कंपनियां बिना पूर्व सरकारी मंजूरी के 1,000 करोड़ रुपए तक का निवेश कर सकती हैं। अगला प्रश्न, BCCI ने हाल ही में किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया? ए अजय रात्रा, बी संजय बांगर, सी दिनेश कार्तिक, डी MS धोनी। आंसर ए अजय रात्रा। एक्सप्लेनेशन। BCCI ने हाल ही में भारत के पूर्व विकेटकीपर अजय रात्रा को 5 सदस्यीय पैनल में सलिल अंकोला की जगह पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया। सभी 5 चयनकर्ता अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और रात्रा अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली समिति में उत्तरी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। अगला प्रश्न, पेरिस पैरालंपिक 2024 में शरद कुमार और मरियप्पन थंगावेलु ने किस स्पर्धा में पदक जीता? ए निशानेबाजी, बी जेवलिन थ्रो, सी तैराकी, डी ऊंची कूद। आंसर डी ऊंची कूद। एक्सप्लेनेशन। शरद कुमार और मरियप्पन थंगावेलु ने 3 सितंबर को पुरुषों की ऊंची कूद 63 स्पर्धा में रजत और कांस्य पदक जीता। भारत ने पैरालंपिक खेलों के एकल संस्करण में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए अभी तक 3 स्वर्ण, 7 रजत और 10 कांस्य के साथ 20 पदक जीत चुका है। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना किस देश के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन कर रहा है? ए USA, बी नेपाल, सी फ्रांस, डी रूस। आंसर सी फ्रांस। एक्सप्लेनेशन। भारतीय नौसेना का P-8I विमान फ्रांसीसी नौसेना के साथ अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण में भाग लेने के लिए यूरोप में अपनी पहली तैनाती के तहत फ्रांस में एयरबेस 125 स्ट्रेसले ट्यूब पर उतरा है। भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना का द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 1993 में शुरू किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहां किया? ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़,
सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। आंसर डी महाराष्ट्र। एक्सप्लेनेशन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के लातूर जिले के उदगीर में विश्व शांति बुद्ध विहार का बुधवार को उद्घाटन किया। विश्व शांति बुद्ध विहार में स्थापित बुद्ध की प्रतिमा का वजन 520 किलोग्राम और ऊंचाई 10.5 फुट है। अधिकारियों ने कहा कि यह बुद्ध विहार पड़ोसी राज्य कर्नाटक के कलबुर्गी में स्थापित बुद्ध विहार की प्रतिकृति है। अगला प्रश्न, किस देश ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले का सबसे बड़ा टोटल बनाया है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी दक्षिण अफ्रीका, सी न्यूजीलैंड, डी इंग्लैंड। आंसर ए ऑस्ट्रेलिया। एक्सप्लेनेशन, ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड के खिलाफ T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे बड़े पावर प्ले स्कोर का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने पावर प्ले में 113/1 रन बनाकर यह खास उपलब्धि हासिल की। ट्रेविस हेड ने सिर्फ 25 गेंदों में 80 रन की पारी खेली, जिसमें 12 चौके और 5 छक्के शामिल रहे। साउथ अफ्रीका ने साल 2023 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ पावर प्ले में 102 रन बनाने का कारनामा किया था, लेकिन ट्रेविस मिचेल की तूफानी पारियों ने इसे तोड़ दिया। अगला प्रश्न, हाल ही में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? ए श्रीकांत विश्वनाथन, बी सिद्धार्थ अग्रवाल, सी नीरज चोपड़ा, डी सतीश कुमार। आंसर बी सिद्धार्थ अग्रवाल। एक्सप्लेनेशन, बेंगलुरु के 49 वर्षीय तैराक सिद्धार्थ अग्रवाल 29 अगस्त 2024 को इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बन गए। उन्होंने 42 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे और 6 मिनट में पूरी की। यह उपलब्धि 2018 में 46 साल की उम्र में श्रीकांत विश्वनाथन द्वारा बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देती है। इंग्लिश चैनल अटलांटिक महासागर की एक संकरी शाखा है जो इंग्लैंड के दक्षिणी तट को फ्रांस के उत्तरी तट से अलग करती है। अगला प्रश्न, हाल ही में कहां विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? ए बोत्सवाना, बी युगांडा, सी वियतनाम, डी पेरू। आंसर ए बोत्सवाना। एक्सप्लेनेशन, कनाडा की एक खनन फर्म ने बोत्सवाना के कोरोबे खदान में 2492 कैरेट की हीरा खोजा है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हीरा है। इसे कनाडाई कंपनी लुकारा डायमंड ने खोजा है। बोत्सवाना दुनिया का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश है। यहाँ दुनिया के 20% हीरे का उत्पादन होता है। कुलिनन डायमंड दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है। इसे वर्ष 1905 में दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियर खदान में खोजा गया था। ये 3106 कैरेट का है। इसे अलग अलग 9 टुकड़ों में काटा गया था। इनमें से कई टुकड़े ब्रिटेन के शाही मुकुट में लगे हुए हैं। अगला प्रश्न, पेरिस 2024 पैरालंपिक में भारतीय क्लब थ्रोअर धर्मवीर ने कौन सा अवार्ड जीता? ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए स्वर्ण। एक्सप्लेनेशन, धर्मवीर और प्रणव सूरमा ने 4 सितंबर को पेरिस 2024 पैरालंपिक में पुरुषों के क्लब थ्रो F51 वर्ग में क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक जीते, जिससे खेलों में एथलेटिक्स में भारत ने पहली बार पहला और दूसरा पोडियम स्थान हासिल किया। 35 वर्षीय धर्मवीर ने सटेट डी फ्रांस में अपने 5वें प्रयास में 34.92 मीटर के एशियाई रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। क्लब थ्रो ओलंपिक में हैमर थ्रो के जैसे ही एक पैरालंपिक प्रतियोगिता है। 19वीं शताब्दी के अंत में किस भारतीय नेता ने गणेश चतुर्थी को एक सार्वजनिक उत्सव के रूप में लोकप्रिय बनाया? ए बाल गंगाधर तिलक, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी महात्मा गांधी। आंसर ए बाल गंगाधर तिलक। एक्सप्लेनेशन, गणेश चतुर्थी को 19वीं सदी के अंत में प्रमुखता मिली। गणेश उत्सव की शुरुआत 1893 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में की थी। उस वक्त देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी। ऐसे में तिलक ने गणेश उत्सव के नाम पर लोगों में एकता और राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करने के मकसद से गणेश उत्सव मनाते थे। यह उत्सव 10 दिनों तक चलता है। अगला प्रश्न, यूपी सरकार कहां पर वैदिक 3D संग्रहालय बनाएगी? ए वाराणसी, बी अयोध्या, सी नोएडा, डी कानपुर। आंसर ए वाराणसी। एक्सप्लेनेशन, यूपी सरकार वाराणसी में वैदिक 3D संग्रहालय बनाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में एक वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण कराएगी। कला संग्रहालय भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को समर्पित होगा। ये 16 संस्कारों, 64 कलाओं और 18 विद्या संस्थानों पर प्रकाश डालते हुए वैदिक साहित्य के विकास को प्रदर्शित करेगा। अगला प्रश्न, सितंबर 2024 में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए जीन कैस्टेक्स, बी मिशेल बानिया, सी ए डॉट फिलिप, डी इमैनुएल मैक्रोन। आंसर बी मिशेल बानिया। एक्सप्लेनेशन,
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के कार्यालय ने 5 सितंबर 2024 को मिशेल बानिया को नया प्रधानमंत्री नामित किया है। बानिया यूरोपीय संघ के पूर्व ब्रेग्जिट वार्ताकार रहे हैं। उन्होंने 2016 से 2021 तक यूरोपीय संघ ईयू और ब्रिटेन के बीच ब्रेग्जिट पर वार्ता की थी। यह नियुक्ति 2 महीने पहले हुए चुनाव के बाद की गई है। 73 वर्षीय बानिया फ्रांस के आधुनिक राजनीतिक इतिहास में सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने गैब्रियल एटल का स्थान लिया है, जो सबसे युवा थे। एटल ने 16 जुलाई को चुनावों में त्रिशंकु संसद आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न, तीरंदाजी में पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? ए मरियप्पन थंगावेलु, बी देवेंद्र झाझरिया, सी हरविंदर सिंह, डी दीपा मलिक। आंसर सी हरविंदर सिंह। एक्सप्लेनेशन, हरविंदर सिंह ने 4 सितंबर 2024 को पेरिस 2024 पैरालंपिक में तीरंदाजी में भारत का पहला पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीता। इन्वेलिड्स में पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व ओपन स्पर्धा में प्रतिस्पर्धा करते हुए हरविंदर ने फाइनल में पोलैंड के लुकाच सिस्सेक को 6-0 से हराकर शीर्ष स्थान हासिल किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे 2024 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है? ए फरवीजा फरहान, बी हयाओ मियाज़ाकी, सी कर्मा फुटशो, डी उपर्युक्त सभी। आंसर डी उपर्युक्त सभी। एक्सप्लेनेशन, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसे एशिया का नोबेल कहा जाता है, इस अवार्ड से एशिया के उन व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने समाज में उल्लेखनीय योगदान दिया है। साल 2024 में ये प्रतिष्ठित पुरस्कार भूटान के कर्मा फुटशो, वियतनाम की नगुयेन थी नगोक फ्यून, इंडोनेशिया की फरवीजा फरहान, जापान के हायाओ मियाज़ाकी और थाईलैंड के ग्रामीण डॉक्टर्स मूवमेंट को प्रदान किया गया। इनके कार्यों ने समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए शिक्षा, बी संगीत, सी कृषि, डी नर्सिंग। आंसर डी नर्सिंग। एक्सप्लेनेशन, समाज को प्रदान की गई सराहनीय सेवाओं के लिए नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों को सम्मानित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से वर्ष 1973 में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। इस बार यह अवार्ड 15 नर्सों को कर्तव्य और सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए दिया गया। अगला प्रश्न, उस मिशन का नाम क्या है जो पहली बार निजी स्पेसवॉक का प्रयास करेगा? ए एक्सियोम अंतरिक्ष मिशन, बी स्टारलाइनर मिशन, सी पोलारिस डॉन, डी प्रेरणा 4। आंसर सी पोलारिस डॉन। एक्सप्लेनेशन, 4 निजी अंतरिक्ष यात्रियों का एक दल स्पेसएक्स मिशन की तैयारी कर रहा है जो पहली बार निजी स्पेसवॉक का प्रयास करेगा। पोलारिस डॉन नामक मिशन को फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल पर लॉन्च किया जाएगा। जेरेड इसाकमैन मिशन को वित्त पोषित कर रहे हैं, जो उनके पोलारिस कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसमें भविष्य के मिशनों की योजना बनाई गई है, जिसमें स्पेसएक्स की स्टारशिप भी शामिल है। अगला प्रश्न, किन 2 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की? ए भारत और अमेरिका, बी फ्रांस और जर्मनी, सी भारत और चीन, डी भारत और फ्रांस। आंसर डी भारत और फ्रांस। एक्सप्लेनेशन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA सौर संसाधन संपन्न देशों का एक गठबंधन है, जिसे 2015 में COP21 पेरिस समझौते के दौरान भारत और फ्रांस द्वारा शुरू किया गया था। 9 सितंबर 2024 को नेपाल आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का 101वां सदस्य बन गया। अगला प्रश्न, पुरुष एकल 2024 US ओपन ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता? ए डेनियल मेदवेदेव, बी नोवाक जोकोविच, सी जननिक सिन्हा, डी टेलर फ्रिट्ज। आंसर सी जननिक सिन्हा। एक्सप्लेनेशन, US ओपन 2024 चैंपियनशिप 19 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक फ्लशिंग मीडोज क्वींस न्यूयॉर्क शहर में आयोजित की गई थी। इटली के जननिक सिन्हा ने अमेरिका के टेलर फ्रिट्स को 6-3, 6-4, 7-5 से हराकर US ओपन 2024 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल खिताब जीते। वहीं बेलारूस की आर्यना सबालेका ने US ओपन के फाइनल में अमेरिका की जेसिका पेगुला को सीधे सेटों में 7-5, 7-5 से हराकर महिला एकल खिताब जीते। ये जननिक सिन्हा और आर्यना सबालेका का पहला US ओपन खिताब था। अगला प्रश्न, पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 से भारत को कितना आर्थिक लाभ हुआ? ए 1.20 अरब डॉलर, बी 1.39 अरब डॉलर,
सी 1.50 अरब डॉलर, डी 1.60 अरब डॉलर, आंसर बी 1.39 अरब डॉलर। एक्सप्लेनेशन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा बुधवार को जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के आयोजन से भारत को 1.39 अरब डॉलर, करीब 11,637 करोड़ रुपए का आर्थिक लाभ हुआ है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि वनडे विश्व कप को रिकॉर्ड 12,50,000 दर्शकों ने स्टेडियम में देखा। मेजबान शहरों में पर्यटन के क्षेत्र में 86,14,00,000 डॉलर का राजस्व सृजन हुआ, जिसमें आवास, यात्रा, परिवहन और खाद्य एवं पेय पदार्थ शामिल हैं। विस्तारित आयुष्मान भारत PMJAY योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए आयु मानदंड क्या है? ए 60 वर्ष और उससे अधिक, बी 65 वर्ष और उससे अधिक, सी 70 वर्ष और उससे अधिक, डी 75 वर्ष और उससे अधिक, आंसर सी 70 वर्ष और उससे अधिक। एक्सप्लेनेशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2024 को आय की परवाह किए बिना 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इस योजना से लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित होंगे। अगला प्रश्न। भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? ए अल निजार, बी वरुण, सी डेजर्ट ईगल, डी इंद्र, आंसर ए अल निजार। एक्सप्लेनेशन। भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल निजार का 5वां संस्करण 13 से 26 सितंबर तक ओमान के सलालाह में रबकूट प्रशिक्षण क्षेत्र में होगा। अभ्यास के लिए कुल 60 कर्मियों वाली भारतीय सेना की टुकड़ी रवाना हुई है। अभ्यास अल निजार 2015 से भारत और ओमान के बीच बारी बारी से द्विवार्षिक आधार पर आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास का पिछला संस्करण राजस्थान के महाजन में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न। PPP मॉडल के तहत इलेक्ट्रिक बसों, ई बसों की खरीद और संचालन के लिए सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों PTA की सहायता के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? ए PM ई बस सेवा योजना, बी राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना, सी स्मार्ट सिटी मिशन, डी फेम इंडिया योजना, आंसर ए PM ई बस सेवा योजना। एक्सप्लेनेशन। PPP मॉडल के तहत इलेक्ट्रिक बसों, ई बसों की खरीद और संचालन के लिए सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों PTA की सहायता के लिए केंद्र सरकार ने PM ई बस सेवा योजना शुरू की है। इस योजना को 16 अगस्त 2023 को शुरू किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2024 को PM ई बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र PSM योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल पर 10,000 इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती की जाएगी। अगला प्रश्न। सितंबर 2024 में नागालैंड के किन जिलों में इनलाइन परमिट ILP लागू किया गया है? ए न्यूएनसांग, किफिरे और लॉन्गलेंग, बी चुमोके दिमा, न्यूलैंड और दीमापुर, सी कोहिमा, मोन और फेक, डी मोकोकचुंग, जुन्हेबोटो और वोखा, आंसर बी चुमोके दिमा, न्यूलैंड और दीमापुर। एक्सप्लेनेशन। नागालैंड राज्य सरकार ने 11 सितंबर 2024 को चुमोके दिमा, न्यूलैंड और दीमापुर जिलों में ILP के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। इनलाइन परमिट ILP संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया एक कानूनी दस्तावेज है जो किसी भारतीय नागरिक को सीमित समय के लिए संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देता है। छात्रों, शिक्षकों, तकनीकी पेशेवरों और व्यावसायिक साझेदारों सहित कुछ समूहों को राज्य में रहने के उनके उद्देश्य के आधार पर 2 से 5 साल के लिए वैध इनलाइन परमिट जारी किया जाएगा। अगला प्रश्न। महाराष्ट्र में 80% आरक्षण के साथ आदिवासी छात्रों के लिए एक आदिवासी विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जा रहा है? ए नागपुर, बी मुंबई, सी नासिक, डी पुणे, आंसर सी नासिक। एक्सप्लेनेशन। महाराष्ट्र में जल्द ही नासिक जिले में आदिवासियों को समर्पित एक विश्वविद्यालय होगा जो किंडरगार्टन KG से लेकर स्नातकोत्तर PG स्तर तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण स्किल्स ट्रेनिंग प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य आदिवासियों को आदिवासी बने रहने देना नहीं है, बल्कि उन्हें दुनिया में प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रशिक्षित करना है। प्रस्तावित विश्वविद्यालय महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन की पहल है, जो राज्य में विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं और महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम 1984 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई? ए अनुच्छेद 343, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 370, डी अनुच्छेद 377, आंसर ए अनुच्छेद 343। एक्सप्लेनेशन। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत आधिकारिक तौर पर हिंदी को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी।
इसी उपलक्ष्य में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और पूरे भारत में व्यापक रूप से बोली जाती है। अगला प्रश्न, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर को कौन सा नया नाम दिया गया है? ए फ्रीडम आइलैंड, बी श्री विजयापुरम, सी नेताजीपुरम, डी चोलनगर। आंसर बी श्री विजयापुरम। एक्सप्लेनेशन, सरकार ने 13 सितंबर 2024 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयापुरम करने का निर्णय लिया है। पोर्ट ब्लेयर का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश नौसैनिक अधिकारी कैप्टन आर्चिबाल्ड ब्लेयर के नाम पर रखा गया था। पोर्ट ब्लेयर को उस द्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न, उस भारतीय लाइट टैंक का क्या नाम है जिसने सितंबर 2024 में प्रारंभिक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया? ए विक्रांत, बी अर्जुन, सी जोरावर, डी भीष्म। आंसर सी जोरावर। एक्सप्लेनेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने भारतीय लाइट माउंटेन टैंक जोरावर का प्रारंभिक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस 25 टन के एयर ट्रांसपोर्टेबल टैंक को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी ये खूबी चीन की नींद उड़ाने के लिए काफी है। भारतीय सेना 350 जोरावर टैंकों को तैनात करने की योजना बना रही। अगला प्रश्न, सीताराम येचुरी का निधन हो गया वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध हस्ती थे? ए कृषि विज्ञान, बी पत्रकारिता, सी चिकित्सा, डी राजनीति। आंसर डी राजनीति। एक्सप्लेनेशन, वरिष्ठ माकपा नेता सीताराम येचुरी का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सीताराम येचुरी ने लगभग 50 साल पहले छात्र नेता के रूप में CPM में अपनी यात्रा शुरू की थी। वे 2005 से 2015 तक पार्टी के महासचिव रहे और 3 लगातार कार्यकालों तक इस पद को संभाला। येचुरी ने साल 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA सरकार के लिए भी गठबंधन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न, सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन PM मोदी ने किस राज्य में किया? ए हरियाणा, बी तमिलनाडु, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। आंसर डी उत्तर प्रदेश। एक्सप्लेनेशन, PM मोदी ने ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को समर्पित है। इन्वेस्ट इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेमीकंडक्टर बाजार जिसका मूल्य वर्तमान में लगभग $23.2 बिलियन है, जिसके साल 2028 तक $80.3 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। ओणम भारत के किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी केरल। आंसर डी केरल। एक्सप्लेनेशन, ओणम केरल का प्रमुख त्योहार है। यह एक वार्षिक फसल उत्सव है और केरल का आधिकारिक त्योहार भी है। ओणम को मलयालम में थिरुवोणम कहते हैं। यह त्योहार दक्षिण भारत में ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। ओणम राजा महाबली और वामन की याद करने के लिए 2024 में 5 से 15 सितंबर तक मनाया जाता है। ओणम के दिन सुबह सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। नाश्ते में केला और पापड़ खाए जाते हैं। ओणम के दिन लोग अपने घरों को फूलों से सजाते हैं। अगला प्रश्न, सितंबर 2024 में ब्रसल्स में डायमंड लीग पुरुष जेवलिन थ्रो फाइनल में दूसरे स्थान पर कौन रहा? ए जेकब वाडलेजिच, बी एंडरसन पीटर्स, सी नीरज चोपड़ा, डी जूलियन वेबर। आंसर सी नीरज चोपड़ा। एक्सप्लेनेशन, 14 सितंबर 2024 को ब्रसल्स में डायमंड लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा ने अपने तीसरे प्रयास में 87.86 दूर जेवलिन फेंककर अपना बेस्ट प्रदर्शन के साथ दूसरे स्थान पर रहे। नीरज महज 1 सेंटीमीटर के अंतर से ट्रॉफी अपने नाम नहीं कर सके और दूसरे स्थान पर काबिज हुए। वहीं ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने अपने पहले ही प्रयास में 87.87 मीटर का थ्रो करके खिताब अपने नाम कर लिया। बता दें कि 2022 में नीरज डायमंड लीग की ट्रॉफी को अपने नाम कर चुके हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में 5 नई पोस्को को फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे? ए पश्चिम बंगाल, बी हिमाचल प्रदेश, सी हरियाणा, डी महाराष्ट्र। आंसर ए पश्चिम बंगाल। एक्सप्लेनेशन, आरजीकर अस्पताल में महिला चिकित्सक से दरिंदगी की घटना को लेकर मचे घमासान के बीच बंगाल सरकार ने यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण के लिए पॉक्सो अधिनियम के तहत राज्य में 5 और नए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस कानून में अपराध की गंभीरता के आधार पर न्यूनतम 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है।
अगर कोई व्यक्ति 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म करता है तो उसे मौत की सजा हो सकती है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में गंभीर रूप से लुप्तप्राय लंबाकार कछुआ प्रजाति को देखा गया है? ए मिजोरम, बी नागालैंड, सी हरियाणा, डी असम। आंसर, सी हरियाणा। एक्सप्लेनेशन, अरावली में एक शोध सर्वेक्षण के दौरान हरियाणा के दमदमा क्षेत्र में लंबे आकार का कछुआ देखा गया, जो एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति का कछुआ है। लंबा कछुआ मध्यम आकार का होता है, जिसका खोल पीले भूरे या जैतून के रंग का होता है तथा प्रत्येक ढाल के मध्य में स्पष्ट काले धब्बे होते हैं। इन कछुओं को वर्ष 2018 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में शामिल किया गया था और मानदंड A to CD के तहत उन्हें गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अगला प्रश्न, देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। आंसर, डी गुजरात। एक्सप्लेनेशन, भारत की पहली वंदे मेट्रो सेवा का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 सितंबर को भुज से अहमदाबाद के बीच चलने वाली इस सेवा का वर्चुअली शुभारंभ किया। इसका उद्घाटन भुज रेलवे स्टेशन से शाम 4:15 बजे किया गया, जबकि प्रधानमंत्री अहमदाबाद में मौजूद थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री कई अन्य वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाए। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 दिसंबर, बी 10 नवंबर, सी 16 सितंबर, डी 23 जनवरी। आंसर, सी 16 सितंबर। एक्सप्लेनेशन, 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया, जो 1987 में ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संकल्प 49/114 पर हस्ताक्षर की तिथि की याद में मनाया जाता है। ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। कई रसायन ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न, सरकार ने SSC को उम्मीदवारों के लिए आधार प्रमाणीकरण करने की अनुमति क्यों दी है? ए परीक्षा में धोखाधड़ी और कदाचार को रोकने के लिए, बी तेजी से परिणाम घोषणा सुनिश्चित करने के लिए, सी अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ाना, डी परीक्षा शुल्क कम करना। आंसर, ए परीक्षा में धोखाधड़ी और कदाचार को रोकने के लिए। एक्सप्लेनेशन, कार्मिक मंत्रालय की ओर से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC को वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकरण के समय और परीक्षा भर्ती परीक्षा के विभिन्न चरणों में उम्मीदवारों की पहचान के सत्यापन के लिए स्वैच्छिक आधार पर आधार प्रमाणीकरण करने की अनुमति दी गई है, ताकि अभ्यर्थी अपनी गलत पहचान न बताएं या SSC और UPSC द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में बैठने के लिए धोखाधड़ी न करें। अगला प्रश्न, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? ए स्मृति ईरानी, बी आतिशी मालिना, सी सुनीता केजरीवाल, डी बांसुरी स्वराज। आंसर, बी आतिशी मालिना। एक्सप्लेनेशन, आम आदमी पार्टी आपने दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी का नाम घोषित कर दिया है। पार्टी की विधायक दल की बैठक में अरविंद केजरीवाल ने खुद उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनेंगी और स्वतंत्रता के बाद भारत के किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की 17वीं महिला मुख्यमंत्री होंगी। अगला प्रश्न, PM मोदी ने किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत की? ए हरियाणा, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी ओडिशा। आंसर, डी ओडिशा। एक्सप्लेनेशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपने 74वें जन्मदिन के मौके पर ओडिशा सरकार की सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया। राज्य भर में करीब 1 करोड़ महिलाओं को सुभद्रा योजना का लाभ होगा। इसके तहत महिलाओं को 2 किस्त में 10,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। यह आर्थिक मदद 5 साल तक दी जाएगी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में कौन सा शहर उभरा है? ए प्रयागराज, बी वाराणसी, सी अयोध्या, डी आगरा। आंसर, सी अयोध्या। एक्सप्लेनेशन, रामनगरी अयोध्या ने वाराणसी को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पर्यटन आकर्षण बनने का गौरव हासिल किया है। इस साल के पहले 6 महीनों में अयोध्या में 11 करोड़ देशी और विदेशी पर्यटक पहुंचे, जबकि वाराणसी में 4.61 करोड़ पर्यटक आए। हाल ही में राज्य पर्यटन विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में पहले 6 महीनों के दौरान लगभग 33 करोड़ पर्यटकों ने विभिन्न स्थानों का दौरा किया। किस देश की हॉकी टीम ने पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जीती? ए मलेशिया, बी कोरिया, सी भारत, डी चीन। आंसर, सी भारत।
एक्सप्लेनेशन: भारत की पुरुष हॉकी टीम ने 17 सितंबर 2024 को चीन के हुलुनबिर में पांचवी बार पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती। भारत ने कड़े मुकाबले वाले फाइनल में चीन को 1-0 से हराया। भारतीय टीम के लिए जुगराज सिंह ने 51वें मिनट में गोल किया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को हराया था। अगला प्रश्न: 8वां भारत जल सप्ताह कब आयोजित किया जा रहा है? ए 10 से 14 सितंबर, बी 17 से 20 सितंबर, सी 5 से 8 सितंबर, डी 1 से 4 सितंबर। आंसर: डी 17 से 20 सितंबर। एक्सप्लेनेशन: 8वां भारत जल सप्ताह 17 से 20 सितंबर 2024 तक भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया। पंचायती राज मंत्रालय 8वें भारत जल सप्ताह और प्रदर्शनी में भागीदार के रूप में शामिल हो रहा है। इसका विषय समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग है। अगला प्रश्न: क्रिकेटर दुनित वेलालेज को अगस्त 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, वह किस टीम के खिलाड़ी है? ए दक्षिण अफ्रीका, बी वेस्ट इंडीज, सी बांग्लादेश, डी श्रीलंका। आंसर: डी श्रीलंका। एक्सप्लेनेशन: श्रीलंका के खिलाड़ी दुनित वेलालेज और हर्षिता समारा विक्रमा को अगस्त 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में नामित किया गया। एक ही महीने में एक ही देश के खिलाड़ियों द्वारा अवार्ड जीतने का एकमात्र पिछला उदाहरण तब सामने आया था जब इस साल जून में जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया था। अगला प्रश्न: एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? ए राजकिशोर सिंह, बी रामनाथ कोविंद, सी अनुराग ठाकुर, डी प्रतिभा पाटिल। आंसर: बी रामनाथ कोविंद। एक्सप्लेनेशन: PM मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने एक राष्ट्र एक चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका प्रस्ताव लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनावों को एक साथ कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न: किसने NPS वात्सल्य योजना को लॉन्च किया? ए निर्मला सीतारमण, बी एस जयशंकर, सी राजनाथ सिंह, डी नरेंद्र मोदी। आंसर: ए निर्मला सीतारमण। एक्सप्लेनेशन: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में NPS वात्सल्य योजना को लॉन्च किया, जो बच्चों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए अमल में लाई गई है। NPS वात्सल्य योजना राष्ट्रीय पेंशन स्कीम का एक विस्तारित रूप है। NPS वात्सल्य स्कीम के तहत माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए पेंशन खाते में निवेश करके बचत कर सकेंगे, जिससे लंबी अवधि में उनके लिए बड़ा कॉर्पस तैयार किया जा सके। 3वें वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? ए नई दिल्ली, बी जयपुर, सी चंडीगढ़, डी मुंबई। आंसर: ए नई दिल्ली। एक्सप्लेनेशन: 19 से 22 सितंबर तक भारत मंडपम नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया के 3रे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। भारत सरकार ने साल 2017 में विश्व खाद्य भारत कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस आयोजन में 90 से अधिक देश, 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तथा 18 केंद्रीय मंत्रालय भाग लेंगे। जापान भागीदार देश होगा और वियतनाम और ईरान मुख्य देश के रूप में भाग लेंगे। अगला प्रश्न: शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ए सूर्य कुमार यादव, बी नीरज चोपड़ा, सी नवदीप सिंह, डी मनु भाकर। आंसर: डी मनु भाकर। एक्सप्लेनेशन: पेरिस में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली मनु भाकर को बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उनकी नियुक्ति की घोषणा की। अगला प्रश्न: WHO द्वारा कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन सा घोषित किया गया? ए ब्राजील, बी जॉर्डन, सी भारत, डी चीन। आंसर: बी जॉर्डन। एक्सप्लेनेशन: 19 सितंबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश घोषित किया। WHO ने कहा कि जॉर्डन ने 2 दशकों से अधिक समय से कुष्ठ रोग के किसी भी मामले की सूचना नहीं दी है। कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है, जो अनुपचारित रोगियों के साथ नजदीकी और लगातार संपर्क के दौरान नाक और मुंह से निकलने वाली बूंदों के जरिए फैल सकता है। इसे हैंसेन रोग के रूप में भी जाना जाता है और यह मुख्य रूप से त्वचा, परिधीय तंत्रिकाओं, ऊपरी श्वसन पथ की म्यूकोसल सतहों और आँखों को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न: मिस इंडिया वर्ल्डवाइड 2024 टाइटल किसने जीता? ए हरमनप्रीत कौर, बी प्रीति कामत,
सी ध्रुवी पटेल डी श्रेय सिन्हा आंसर सी ध्रुवी पटेल एक्सप्लेनेशन संयुक्त राज्य अमेरिका की भारतीय मूल की छात्रा ध्रुवी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल जीत लिया है। ये भारत के बाहर सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारतीय प्रतियोगिता है। न्यू जर्सी में ताजपोशी के बाद ध्रुवी ने कहा, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड जीतना एक अविश्वसनीय सम्मान है। अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा? ए सिडनी, बी रोम, सी लंदन, डी ग्लासगो। आंसर डी ग्लासगो। एक्सप्लेनेशन, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया जाएगा। इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई शहर विक्टोरिया ने बढ़ती लागतों को जिम्मेदार ठहराते हुए जुलाई 2023 में अचानक 2026 खेलों की मेजबानी से अपना नाम वापस ले लिया था। ग्लासगो 10 साल पहले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त राज्य अमेरिका यात्रा में निम्नलिखित में से किस शिखर सम्मेलन में भागीदारी शामिल है? ए आसियान शिखर सम्मेलन, बी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, सी G20 शिखर सम्मेलन, डी क्वाड लीडर्स समिट। आंसर डी क्वाड लीडर्स समिट। एक्सप्लेनेशन, पीएम मोदी ने 21 सितंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा शुरू की। वह डेलावेयर में 4th वार्षिक क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत 2025 में क्वाड लीडर्स समिट की मेजबानी करेगा। क्वाड में 4 देश ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका शामिल है। अगला प्रश्न, भारत ने सिंधु जल संधि में संशोधन की मांग की है, इस पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? ए 1956, बी 1960, सी 1967, डी 1987। आंसर बी 1960। एक्सप्लेनेशन, भारत ने सिंधु जल संधि की समीक्षा और संशोधन के लिए पाकिस्तान को औपचारिक नोटिस भेजा है। सितंबर 1960 में जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान ने कराची में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। संधि के प्रावधानों के तहत पूर्वी नदियां सतलुज, ब्यास और रावी भारत द्वारा अप्रतिबंधित उपयोग के लिए उपलब्ध होंगी, जबकि पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान द्वारा अप्रतिबंधित उपयोग के लिए उपलब्ध होंगी। संधि के अनुच्छेद 12(3) के तहत समय समय पर दोनों सरकारों के बीच संधि के प्रावधानों को संशोधित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, मेलबर्न विश्वविद्यालय ने भारत में अपना केंद्र कहाँ खोला है? ए नई दिल्ली, बी भोपाल, सी नालंदा, डी सूरत। आंसर ए नई दिल्ली। एक्सप्लेनेशन, मेलबर्न विश्वविद्यालय द्वारा नई दिल्ली में एक केंद्र खोला गया है। मेलबर्न ग्लोबल सेंटर दिल्ली भारत में विश्वविद्यालय के केंद्रीय केंद्र के रूप में काम करेगा। ये समुदाय, उद्योग, अनुसंधान और शिक्षा के बीच सहयोग और सूचना साझा करना आसान बनाएगा। मेलबर्न ग्लोबल सेंटर का उद्देश्य कैंपस के बाहर सीखने का माहौल या शिक्षण के लिए नहीं है। अगला प्रश्न, ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को भेजा जा रहा है? ए कल्कि, बी स्त्री 2, सी लापता लेडीज, डी बैड न्यूज। आंसर सी लापता लेडीज। एक्सप्लेनेशन, किरण राव द्वारा निर्देशित लापता लेडीज को 29 फिल्मों में से ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया है। इसका निर्माण किरण राव और आमिर खान ने मिलकर किया है। फिल्म देखते समय बार बार गोविंद मुनिस निर्देशित नदिया के पार के फ्रेम याद आते रहते हैं। वैसा ही सच्चा सा दिखता ग्राम्य जीवन और वैसे ही कहानी के किरदार। दिलचस्प बात यह है कि 24 साल पहले भी आमिर खान की फिल्म को ही इस श्रेणी में चुना गया था। अगला प्रश्न, भारत के लिए 2024 शतरंज ओलंपियाड में किन टीमों ने स्वर्ण पदक जीते? ए पुरुष और महिला दोनों टीमें, बी केवल पुरुषों की टीम, सी केवल युवा टीम, डी केवल महिला टीम। आंसर ए पुरुष और महिला दोनों टीमें। एक्सप्लेनेशन, 22 सितंबर 2024 को हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित 45वें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फाइड शतरंज ओलंपियाड में पुरुष और महिला दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय पुरुष टीम ने स्लोवेनिया को हराया जबकि महिला टीम ने अजरबैजान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। अगला 46वां फिडे शतरंज ओलंपियाड 2026 में ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। भारत की नई एयरलाइन कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिली है? ए स्टार लाइन एयर, बी स्काई एयरलाइन, सी तेजस एयरलाइन, डी शंख एयर। आंसर डी शंख एयर। एक्सप्लेनेशन, भारत की नई एयरलाइन शंख एयर को हाल ही में विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिली है। यह उत्तर प्रदेश की पहली अनुसूचित एयरलाइन शेड्यूल्ड एयरलाइन है। यह एयरलाइन लखनऊ और नोएडा को अपने हब के रूप में स्थापित कर भारत के प्रमुख शहरों को जोड़ने की योजना बना रही है। शंख एयर से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार की उम्मीद है। अगला प्रश्न,
भारत ने हाल ही में किस देश में दो नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? ए यूएसए, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जर्मनी, डी रूस। आंसर ए यूएसए। एक्सप्लेनेशन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणा की कि भारत अमेरिका में दो नए वाणिज्य दूतावास, एक बोस्टन में और दूसरा लॉस एंजल्स में खोलने की घोषणा की है। इन शहरों में भारतीय अमेरिकी समुदाय की जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। अगला प्रश्न: नगर वन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, बी आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, डी कपड़ा मंत्रालय। आंसर ए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। एक्सप्लेनेशन: शहरी इलाके में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई नगर वन योजना NVY ने हाल ही में 100 नगर वन का 100 दिन का लक्ष्य हासिल किया। योजना में नागरिकों की भागीदारी से शहरी इलाके में वनों को बढ़ावा देने के लिए प्रति हेक्टेयर 4 लाख रुपए की पेशकश की गई। अगला प्रश्न: किस एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है? ए लखनऊ एयरपोर्ट, बी पुणे एयरपोर्ट, सी पटना एयरपोर्ट, डी मुंबई एयरपोर्ट। आंसर बी पुणे एयरपोर्ट। एक्सप्लेनेशन: महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। संत तुकाराम महाराज 17वीं सदी के मराठी कवि और हिंदू संत थे, जिन्हें महाराष्ट्र में तुका, तुकोबार या तुकोबा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न: साल 2025 में आईफा अवार्ड्स का आयोजन कहां किया जाएगा? ए वाराणसी, बी शिमला, सी मुंबई, डी जयपुर। आंसर डी जयपुर। एक्सप्लेनेशन: हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े अवार्ड में से एक इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी IIFA का आयोजन अगले साल राजस्थान की राजधानी जयपुर में होगा। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी की मौजूदगी में राजस्थान पर्यटन विभाग और आईफा के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। एशिया पावर इंडेक्स में भारत किस देश को पछाड़कर एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बनकर उभरा है? ए दक्षिण कोरिया, बी जापान, सी रूस, डी चीन। आंसर बी जापान। एक्सप्लेनेशन: ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार की गई 2024 एशिया पावर इंडेक्स में जापान को पछाड़कर भारत एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बनकर उभरा है। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि भारत की तेज आर्थिक प्रगति, विशाल युवा जनसंख्या और अर्थव्यवस्था के विस्तार ने भारत को इस सम्मानजनक स्थान पर पहुंचाया है। यह उपलब्धि न केवल भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति को दर्शाती है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की साख में हो रही वृद्धि का प्रमाण भी है। अगला प्रश्न: मेक इन इंडिया के तहत भारत दुनिया में किस उत्पाद का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है? ए फार्मास्यूटिकल्स, बी ऑटोमोबाइल, सी मोबाइल फोन, डी स्टील। आंसर सी मोबाइल फोन। एक्सप्लेनेशन: पिछले एक दशक में चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है। मेक इन इंडिया पहल ने 25 सितंबर 2024 को अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाई। साल 2014 में इसकी शुरुआत के वक्त देश में केवल 2 फैक्ट्रियां मोबाइल बनाती थी। अब 200 से ज्यादा फैक्ट्रियां मोबाइल बना रही हैं। इनमें एप्पल जैसी कंपनी भी शामिल है। इसके कारण दुनिया को भारत से मोबाइल निर्यात में 7,500% की तेजी आई है। अगला प्रश्न: यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 कहां आयोजित किया गया है? ए ग्रेटर नोएडा, बी कानपुर, सी लखनऊ, डी वाराणसी। आंसर ए ग्रेटर नोएडा। एक्सप्लेनेशन: यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का दूसरा संस्करण 25 से 29 सितंबर 2024 तक उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित किया जा रहा है। इस ट्रेड शो में 80 से ज्यादा देश भाग ले रहे हैं। इसमें भारत के साथ वियतनाम साझेदार देश के रूप में भाग ले रहा है। ट्रेड शो में अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोग पंजीकरण कर चुके हैं। ये प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापार मेला है। अगला प्रश्न: भारत का पहला CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा? ए हैदराबाद, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी पुणे। आंसर डी पुणे। एक्सप्लेनेशन: भारत के पहले CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट की आधारशिला महाराष्ट्र के पुणे में थमेक्स लिमिटेड में रखी गई। ये कार्बन कैप्चर और उपयोग CCU प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसकी आधारशिला विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST के सचिव अभय करंदीकर ने रखी। प्लांट की क्षमता 1.4 टन प्रतिदिन TPD है।
ये परियोजना थमैक्स लिमिटेड और IIT दिल्ली के बीच सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP के रूप में कार्यान्वित की जा रही है। अगला प्रश्न, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 की विजेता कौन बनी? ए रिया सिन्हा, बी प्रांजल प्रिया, सी छवि वर, डी सुष्मिता रॉय। आंसर ए रिया सिन्हा। एक्सप्लेनेशन, 22 सितंबर को गुजरात की रहने वाली 19 साल की रिया सिन्हा ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया। 2015 में मिस यूनिवर्स इंडिया रह चुकी उर्वशी रौतेला ने रिया को ताज पहनाया। प्रांजल प्रिया पहली रनर अप एवं छवि वर दूसरी रनर अप रही। सुष्मिता रॉय एवं रूप फुजानो विसु तीसरे और चौथे रनर अप के स्थान पर रही। ताजमहल की तरह डिजाइन इस क्राउन में तीन बड़े बड़े हीरे जड़े हुए हैं। इनके अलावा बहुत सारे वाइट डायमंड लगे हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ए 25 सितंबर, बी 27 सितंबर, सी 5 अक्टूबर, डी 15 अक्टूबर। आंसर बी 27 सितंबर। एक्सप्लेनेशन, विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा की गई थी। पर्यटन से विश्व भर में लोगों को अलग अलग जगहों पर आर्थिक मदद मिलती है। इतना ही नहीं, इससे किसी देश या राज्य की आर्थिक स्थिति में भी बढ़ावा मिलता है। साथ ही इसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक योगदान के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश की जाती है। अगला प्रश्न, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किए गए हैं? ए हैदराबाद, अहमदाबाद और जयपुर, बी लखनऊ, पटना और भोपाल, सी पुणे, दिल्ली और कोलकाता, डी मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु। आंसर सी पुणे, दिल्ली और कोलकाता। एक्सप्लेनेशन, PM मोदी ने 26 सितंबर 2024 को पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित तीन परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए, जो कि मौसम और जलवायु रिसर्च के लिए तैयार किया गया है। ये सुपर कंप्यूटर भारत के नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के तहत तैयार किए गए हैं। इनकी लागत 130 करोड़ रुपए है। इन तीनों सुपर कंप्यूटर्स को तीन जगहों दिल्ली, पुणे और कोलकाता में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न, सितंबर 2024 में IBSF वर्ल्ड 6 ग्रेड का खिताब किसने जीता? ए असद इकबाल, बी एनजी ओनली, सी मलकीत सिंह, डी कमल चावला। आंसर डी कमल चावला। एक्सप्लेनेशन, भारतीय स्नूकर कमल चावला ने 25 सितंबर 2024 को मंगोलिया के उलानबटार में फाइनल में पाकिस्तान के असद इकबाल को 6-2 से हराकर अपना पहला IBSF वर्ल्ड 6 ग्रेड खिताब हासिल किया। चावला टूर्नामेंट के 2017 संस्करण में उपविजेता रहे थे। भारत ने मलकीत सिंह, विद्या पिल्लई और कीर्तना पांडियन के माध्यम से 3 और कांस्य पदक भी हासिल किए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने एक पेड़ माँ के नाम ऐप लॉन्च किया है? ए पीयूष गोयल, बी राजनाथ सिंह, सी अमित शाह, डी ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। आंसर डी ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। एक्सप्लेनेशन, एक पेड़ माँ के नाम ऐप को केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने लॉन्च किया है। उपयोगकर्ता अपनी माताओं के सम्मान में एक पेड़ लगा सकते हैं और उसे समर्पित कर सकते हैं। इसके उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस के साथ अपनी माताओं को श्रद्धांजलि के रूप में लगाए जा रहे पेड़ों की तस्वीरें आसानी से अपलोड कर सकते हैं। यह ऐप अपनी माँ के साथ अपने बंधन का जश्न मनाने का एक विशेष तरीका प्रदान करता है। अगला प्रश्न, किस राज्य में फसल नुकसान करने के कारण नील गाय और जंगली सुअरों को मारने का अभियान शुरू किया जा रहा है? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी पंजाब। आंसर ए बिहार। एक्सप्लेनेशन, बिहार के 5 जिलों में नील गाय और जंगली सुअरों को मारने के लिए अभियान शुरू किया जाएगा। वैशाली, पूर्वी चंपारण, बक्सर, सीवान और समस्तीपुर में इस महीने से निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार अभियान शुरू किया जाएगा। ये 5 जिले सबसे अधिक प्रभावित जिलों में शामिल हैं, जहां इन दो जानवरों ने फसलों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है। एक अनुमान के अनुसार इन जिलों में नीलगाय की कुल संख्या लगभग 3 लाख जबकि जंगली सुअरों की संख्या लगभग 67,000 है।